जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त पैरा कमांडो फिटनेस अकेडमी में आप लोगों का स्वागत करते हैं। साथियों, आ गया खुशखबरी और एक नया नोटिफिकेशन साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो। तो साथियों, इंडियन आर्मी हवलदार की न्यू वैकेंसी निकल चुके हैं। ये पूरे भारत के लिए साथियों, ये इंडियन आर्मी हवलदार की पोस्ट है SSC, इसका न्यू वैकेंसी निकल चुके है। सर्वे ऑटोमेटिक कार्टोग्राफर, ये अच्छा वैकेंसी है। डायरेक्ट हवलदार की पोस्ट है, बहुत बढ़िया वैकेंसी है। जिसकी एज 25 साल तक है वो अप्लाई कर सकते हैं, वही अप्लाई कर सकते हैं। अगर 25 साल उम्र तक लास्ट है इसका एज, इससे पहले आपका एज है तो आपको चल जाएगा, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छा है, पूरा डिटेल में वीडियो में बताऊँगा, बहुत मज़ा आएगा। जो भी इंडियन आर्मी में हवलदार बनना चाहते हैं, डायरेक्ट पोस्ट है वो। अच्छा, सबसे पहले बात करूँगा इम्पॉर्टेंट डेट। 16 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, इसका लास्ट डेट है 15 मार्च, ठीक है। और मात्र 14 दिन बचे हैं, आज 1 तारीख हो गया और 14 दिन बचा है, फॉर्म फिल जल्दी करें। इसका एग्ज़ाम डेट का हम बात करें, 17 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा। तो इससे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तैयारी, सब्जेक्ट कौन सी कितनी नंबर पर आएगा, मैं पूरा डिटेल में वीडियो में बताऊँगा, वीडियो बने रही है। सबसे पहले बात करूँगा इसका फिजिकल क्राइटेरिया क्या क्या होगा। 1.6 किलोमीटर वही है, 5:45 पे आपका एक्सीलेंट टाइमिंग है और लास्ट है 6 मिनट, उसमें पासिंग टाइमिंग है। उसके बाद जिग जैग बैलेंस है और 9 फीट डिप्स है, और पुलअप जो चिन अप हम मारते हैं, 6 में पास है, 8 में गुड है और 10 में एक्सीलेंट है। अच्छा, उसके बाद हम बात करें इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो साथियों, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, पेपर 1 और पेपर 2, टोटल 200 नंबर की होगा एग्ज़ाम। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे और ज़्यादा मेहनत करें। पेपर 1 में MCQ क्वेश्चन होगा, टिक मार्क करनी है। पेपर 1 जो होगा मैथ का होगा, 50 क्वेश्चन होगा, 1 क्वेश्चन 2 मार्क की, 50 क्वेश्चन 100 नंबर ओनली मैथ की। और उसका जो पेपर 2 होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री से आएगा, 50 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन होगा, टिक करनी है, 1 क्वेश्चन 2 मार्क की, 50 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर, तो हो गया 200 नंबर। उसके पहले मैं बताना चाहूँगा एजुकेशन और क्वालिफिकेशन क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आर्ट्स का स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैथ होना अनिवार्य है। जिसकी मैथ नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकता, और जिसके पास मैथ नहीं वो अप्लाई नहीं कर सकता। और जिसने BTech किया हुआ, MTech किया हुआ, जो भी इंजीनियरिंग किया हुआ चल जाएगा, लेकिन मैथ होना कंपलसरी है। जिसके पास मैथ है वही अप्लाई कर सकते हैं, चाहे किसी भी फील्ड से हो, आपके पास डिग्री है चल जाएगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एजुकेशन को देखते ही आप फॉर्म फिल करें। तो आप इससे तैयारी करोगे तभी हो पाएगा, लेकिन समय बहुत कम है साथियों। लगभग आपके पास लगभग मान के चलो 1 महीने से कम, मतलब कहो लगभग 40 दिन आपके हाथ में समय है, और इस हिसाब से आप लोग तैयारी ज़रूर करें, जिससे आप एक भारतीय सेना का हिस्सा बन सकते हो। हवलदार बनना चाहते हो भारतीय सेना का, तो एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। लेकिन काफ़ी सारे वीडियोस में देखता हूँ, डीपली बताता नहीं है, जो भी आ जाता है डाल देता। तो साथियों, मेरी पास जो चीज़ें बिल्कुल रियल होगा और रियल बताऊँगा, लेकिन फॉर्म फिल चल रहा है और साथ साथ अग्निवीर का भी चल रहा है, ठीक है, एक ही साथ चल रहे सारे के सारे। तो आप लोग फॉर्म फिल ज़रूर करें। देखो ये क्या चीज़ है ना, जब नोटिफिकेशन आ जाता है हमें पता नहीं लगता और हम वीडियो को स्किप कर देते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे सिचुएशन में नोटिफिकेशन आ जाता है, हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देता और नोटिफिकेशन आके चला भी जाता है और हमारी एज भी चला जा रहा है, ठीक है। तो एज रहे तो आप लोग अप्लाई करें, और आपको आपका जो सपना है भारतीय सेना में जाने का, वो भी सपना साकार हो। आप लोगों को पता ही है कि जो कोरोना महामारी में कितनी बच्चियों का एज चला गया था, जिसकी एज चला गया उसके लिए और एक नया अपॉर्चुनिटी है, जो हवलदार के लिए 25 साल उम्र तक आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं भारतीय सेना। 25 ईयर्स बहुत होता है, तो 25 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो, इसकी लास्ट उम्र है, ठीक है, जिसकी लास्ट उम्र है 25 वो अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हो। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, अच्छा लगा सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, ऐसे मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।